bare area, then inferior vena cava, then caudate lobe, और इसके बाद दो विसरा का नाम लेना है, एक suprarenal gland, कौन सा, right suprarenal gland, और last esophagus का impression, yes you can see esophagus. So again magic of five, there are the five important structures on the posterior surface of the liver. अब इसके बाद हम देखते हैं कि superior surface में क्या क्या चीज़ें होंगी. This is the liver. तो लीवर के ऊपर में आप इमेजिन कर सकते हैं क्या होगा, डायफ्राम होगा, और डायफ्राम के ठीक ऊपर मीडिया स्टैनम में क्या रखा हुआ होता है, स्टमक. तो ये जो सुपीरियर सरफेस है, यहाँ पर इसके पूरे ऊपर वाले पार्ट में डायफ्राम अलोंग विद द कार्डियक इम्प्रेशन. ओके, तो आप नोट्स में ऐड कर सकते हैं, सुपीरियर सरफेस इज रिलेटेड विद टू स्ट्रक्चर, फर्स्ट इज द डायफ्राम एंड सेकेंड वन इज द कार्डियक इम्प्रेशन. हार्ट वाले यूनिट में हमने देखा था कि हार्ट जो होता है वो सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम के ऊपर रखा हुआ होता है. तो इसके लिए हमने वहाँ पर इमेज लगा दिया, सपोज दिस इज द डायफ्राम, सो द हार्ट इज लोकेटेड अबव द सेंट्रल टेंडन, और ये बीच वाला पार्ट जो होता है वो सेंट्रल टेंडन को रिप्रेजेंट करता है. ओके, सो दिस इज द रिलेशन. ओके, दिस इज द पेरिकार्डियम विद द हार्ट, दिस इज द डायफ्राम, दिस इज द सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम, एंड लीवर विल बी लोकेटेड इन दिस वे. तो इसके ऊपर आपको डायफ्राम भी मिलेगा, और इसके ऊपर सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम के ऊपर में हार्ट का कार्डियक इंप्रेशन मिलेगा. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इन्फीरियर सरफेस रिलेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन्फीरियर सरफेस रिलेशन इज इंपॉर्टेंट. हम इसे पहले ही डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कर चुके हैं, पांच चीजें इसमें रिलेटेड होती है जिसका हम डायग्राम इजी वे में ड्रॉ करके देखते हैं. सपोज दिस इज द इन्फीरियर सरफेस ऑफ द लीवर. अब यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले पोस्टियर सरफेस में ईसोफेगस का इंप्रेशन रहेगा, क्योंकि आप पीछे से देख रहे हैं और उल्टा करके देख रहे हैं, सो द डायरेक्शन ऑफ द स्टमक विल बी इन ऑपोजिट वे. तो यहाँ पर आपको मिलेगा स्टमक का इंप्रेशन. येस, दिस पार्ट इज रिलेटेड विद द स्टमक. डू यू रिमेंबर, स्टमक के एंटीरियर रिलेशन में लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर था. ओके, अब उसके बाद पाइलोरस पार्ट रहेगा, और पाइलोरस पार्ट विल कंटिन्यू एज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम. ओके, तो इन्फीरियर सरफेस में हमें क्या मिलेगा, स्टमक का इंप्रेशन विथ द पाइलोरस, और हमें क्या मिलेगा, यस वी विल गेट द ड्यूडेनम इंप्रेशन. जस्ट नियर टू द पाइलोरिक पार्ट देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ द यस पोर्टा हेपेटिस. सपोज दिस इज इंडिकेटिंग द साइट फॉर द पोर्टा हेपेटिस, और पोर्टा हेपेटिस के राइट साइड में हमें क्या दिखता है, गॉल ब्लैडर फोसा. सो दिस इज द गॉल ब्लैडर फोसा ओवरलैपिंग विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम. ओके, तो क्या क्या चीजें हैं इन्फीरियर सरफेस में, दिस पार्ट इज इंडिकेटिंग द पोस्टीरियर सरफेस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट. ओके, तो पहली चीज जो हो गई वो है स्टमक विद द पाइलोरस, सेकेंड स्ट्रक्चर इज द ड्यूडेनम, एंड थर्ड स्ट्रक्चर इज द गॉल ब्लैडर. ओके, और इसके बाद हमें पता है कि यहाँ पर ट्रांसवर्स कोलॉन जो होता है वो रन करता है, एंड देन इट कम्स डाउन मेकिंग द फ्लेक्सर. सो इन्फीरियर सरफेस ऑफ द लीवर इज ऑल्सो रिलेटेड विथ द हिपेटिक फ्लेक्सर. ओके, सो दिस इज द फोर्थ स्ट्रक्चर, और हिपेटिक फ्लेक्सर के पास में हमारे किडनी का, राइट किडनी का भी पोजिशन होगा. सो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, सपोज दिस इज द पोजिशन ऑफ द राइट किडनी, सो दिस इज द फिफ्थ स्ट्रक्चर. सो वॉट आर द फाइव स्ट्रक्चर्स यू कैन राइट डाउन, इन्फीरियर सरफेस रिलेशन, फर्स्ट स्टमक विथ पाइलोरस पार्ट, दिस वन, सेकेंड वन इज द ड्यूडेनम. ओके, थर्ड वन इज द गॉल ब्लैडर, और यू कैन से गॉल ब्लैडर फोसा. फोर्थ वन इज हिपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलॉन, एंड द लास्ट फिफ्थ वन इज राइट किडनी. फ्यू बुक्स ऑल्सो मेंशंस द राइट सुप्रारिनल ग्लैंड ऑनली फ्यू पार्ट, एंड फ्यू बुक्स मेंशंस ओनली द राइट किडनी, लेकिन राइट सुप्रारिनल ग्लैंड मेनली कहां पर आएगा, पोस्टीरियर सरफेस में. सो दीज आर द रिलेशंस ऑन द इन्फीरियर सरफेस. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिलेशंस ऑफ द राइट सरफेस. ओके, तो राइट सरफेस यहां पर
यहाँ पर क्या रहेंगे, रिब्स रहेंगे। तो इसके लिए हम समझते हैं आपका लीवर बायोप्सी का डायग्राम, इससे हमारा अप्लाइड पार्ट भी कवर होगा। कैन यू सी दिस इज द राइट सरफेस ऑफ द लीवर। तो यहाँ पर क्या चीजें हैं, यस राइट सरफेस ऑफ द लीवर इज रिलेटेड विथ द पेरिटोनियम, ओके। इसके बाहर क्या मिलेगा, डायफ्राम, बढ़िया है। और इसके बाद क्या मिलेगा, प्लूरा का पार्ट, ओके, राइट लंग का प्लूरा का पार्ट। और हम थोरेक्स पार्ट में देख चुके हैं यहाँ पर एक स्पेस बनता है, दैट इज अ कॉस्टो डायफ्रेगमेटिक रिसेस। और इसके बाहर जब आप चलेंगे तो आपको 8, 9, 10 रिब्स मिलेंगे, ओके। वेरिएशन होते हैं तो 7th और 11th रिब्स भी आपको मिल सकते हैं। तो कुछ टेक्स्ट बुक 7th to 11th रिब्स कहते हैं, कुछ टेक्स्ट बुक 8 to 11 कहते हैं, कुछ टेक्स्ट बुक 7 to 10 कहेंगे। यू कैन गो विथ द बीडी चौरस, या ओके, दैट 7th to 11th रिब्स इज द एक्सटेंट, बट इट इज वेरिएबल, ओके। सो वी कैन राइट डाउन व्हाट आर द रिलेशन ऑन द राइट सरफेस।